मैंने राम राम और सब कैसे हैं, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल। मैं ले घूम घाम के आ गई हूँ चंडीगढ़ और अब यहाँ के कामकाज देख रहे हैं। तो अभी हम जा रहे हैं चंडीगढ़ रेडियो स्टेशन में, वहाँ धोन साहब का इंटरव्यू है, तो हम अब आपको वहीं मिलते हैं। तरह से हम आ गए हैं एक बार फिर से प्रसार भारती में, आकाशवाणी चंडीगढ़। कहिए कुछ या बाद में बोलोगे? तो आपके पास फिर आए हैं और आज देखते हैं क्या पूछते हैं। आज अच्छा ही पूछेंगे और जो पूछेंगे मुझे लगता है लोगों को बहुत अच्छा लगेगा। ओके, पुराना फीडबैक तो अच्छा है, अच्छा ही रहा है। जिन लोगों ने जेन्युइनली काम किया हो वो बोलता है, बाहर नेचुरली आता है। तो देखिए जी, अभी इनके इंटरव्यू शुरू हो गए हैं लेकिन इंटरव्यू में अभी टाइम है। और ये लुक है, देखूं कहाँ चले गए, वेट नहीं करते। ये जा रहे हैं, यहाँ वेट कर रहे हैं, अभी हम जा रहे हैं ऊपर। शोर शराबा सा हो रहा है, वो मिल गए इनको जिन्होंने लेना है। तो हम एक बार फिर उसी जगह आ गए हैं जहाँ कुछ दिन पहले आए थे। बढ़िया जी, एकदम पुलिस में आते आते आप रह गए, तो अब रोल निभा रहे हैं परमजीत बग्गा साहब का, कपूर साहब। और कौन से उसमें आ रहा है, कलर चैनल पे उडारिया में ये दिखते रहते हैं टाइम टू टाइम, तो आप भी देखिए और एंजॉय करिए। बड़ा अच्छा रोल है इनका, धमाकेदार और दमदार। तो अभी धोन साहब जा रहे हैं अपने इंटरव्यू के लिए रमेश कपूर जी के साथ। उसी सेम रूम में हम आ गए हैं, हम तो इधर बैठे थे उस टाइम। वहीं बैठोगे आप अभी? अच्छा चलो, ये हो गया साउंड प्रूफ इंटरव्यू रूम। तो धोन साहब ने अपनी जगह ले ली है और इंटरव्यू के लिए तैयार है। नर्वस तो नहीं है ना? अब तो इंटरव्यू दे दे कि आप हैबिचुअल हो चुके हो। कोई नर्वस नहीं। अच्छा, इंटरव्यू शुरू होने वाला है और सेटिंग चल रही है। आईटीबीपी में मैंने 23 जून 1986 को ज्वाइन किया है। उस समय में मैं एमएससी जूलॉजी कर रहा था। जी स्वागत है आकाशवाणी चंडीगढ़ से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग। इस समय हमारे स्टूडियो में हमारे मेहमान हैं बेसिक ट्रेनिंग कैंप भानु, आईटीबीपी के महानिरीक्षक श्री ईश्वर सिंह दुहन, और आज हम इनके साथ इनकी जिंदगी के सुहाने सफर के बारे में बात कर रहे हैं। दुहन साहब, आपने बताया कि आप पूरे देश में विभिन्न जगह आपने आईटीबीपी में रहते हुए अलग अलग जो पोस्ट है उन पर काम किया, तो आप हमें ये बताएं कि अलग अलग जगह पे रहते हुए आपका जो एक्सपीरियंस है, कोई ऐसा एक्सपीरियंस जो आप हमारे साथ शेयर कर सकें, हमारे श्रोताओं के साथ शेयर कर सकें, जो आपको कभी भूलता ना हो। ये है जो मेरी पहली कमांड थी और मैं सेकेंड इन कमांड बना था, और हमारे डीजी ने मुझे सीसीडी का चार्ज दिया कि इस बटालियन का चार्ज आपके पास है। और हमारी बटालियन की डिप्लॉयमेंट थी गंदरबल डिस्ट्रिक्ट में, और 82 किलोमीटर का एरिया वो पूरा सिक्योर करना था, श्रीनगर और लद्दाख की जो एक्सेस होती है रोड कम्युनिकेशन की, जिसमें आर्मी कन्वॉय जाती हैं और आपकी अमरनाथ यात्रा जाती है उसी रूट से, उसको सिक्योर करना था। तो वो बहुत बड़ा चैलेंज था, और उस टाइम पे वहाँ कम्युनिकेशन का कोई साधन नहीं होता था। कम्युनिकेशन का मतलब आपका टेलीफोन नहीं होते थे वहां पर, और रोड कम्युनिकेशन भी बहुत पुअर होता था। तो एक सैटेलाइट टेलीफोन हमारे पास था जिसको हम बांट के उसको यूज करते थे, और काफी कॉस्टली वो पड़ता था। तो जो वो टेन्योर रहा मेरा, वो 2 साल का टेन्योर रहा, उसमें हर रोज हमारे नए नए चैलेंजेस आते थे।
कभी उस इलाके में आईडी लग जाती थी और कभी वेदर का चैलेंजेस होता था, क्योंकि वो काफी हाई एल्टीट्यूड एरिया में पड़ता है, बर्फ गिर जाती थी। लेकिन उसको बहुत बखूबी हम निभा पाए जब हमें पब्लिक सपोर्ट मिली। और वो लोग बताते थे कि पहले जो सिक्योरिटी फोर्स होती थी तो हम निकलते थे तो हमारे जो है इवन कपड़े भी फट जाते थे, इस तरह की हमारी तलाशी होती थी। तो वो जो ह्यूमन टच वाली चीज है जो हमें बताई जाती है, टू विन द हार्ट एंड सोल ऑफ द पीपल, हार्ट एंड माइंड ऑफ द पीपल, तो वो एक जो हमारी फोर्स की जो इथोस है उसको अपनाते हुए मैंने वो ड्यूटी की। और मैं बताना चाहता हूं कि मेरे एक जवान को क्रॉस तक नहीं आई और मैं जितनी भी नफरी में लेके गया था वो पूरी नफरी जो है मैं रिडिप्लाई कर पाया वहां से। ये संभव हो पाया पब्लिक सपोर्ट से। और वहां के जो एमएलए साहब थे मियां अल्ताफ जी, वो बार बार मुझे आके कहते थे कि आपकी इतनी पॉपुलरिटी बढ़ रही है, अगर आप मेरी जगह इलेक्शन लड़ ले तो मुझे हरा देंगे। मैंने कहा नहीं नहीं, आपका तो बेस है यहाँ गुजर पॉपुलेशन है और आपके जो पूर्वज है उनको तो ये लोग पूछते हैं, गुजर पूछते हैं, तो वो हमारा जो है इस चीज की इच्छा भी नहीं है। लेकिन इलेक्शंस वहां पर हमने कराए, नेचुरल डिजास्टर्स भी वहां पर आए। एक बार की बात है कि जब गुमरी एक पोस्ट है हमारी, जब दराज से आर्मी की कन्वाय आती है तो मतियाना के बाद में आपका चढ़ाई शुरू हो जाती है, और गुमरी पोर्ट से होते हुए जोजिला पास, अभी आप सुनते हैं जोजिला पास, उसके नीचे टनल बन रही है जो कि आपका जो कश्मीर से कनेक्शंस है लद्दाख का, वो आपका ऑल सीजन कनेक्शन हो जाएगा। आपका जो अभी 6 महीने बंद होता है वो ये रोड कम्युनिकेशन बंद नहीं रहेगा। तो अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल हुआ, 2 नवंबर 2002 की बात है ये, अनप्रेसिडेंटेड स्नोफॉल, जिसकी वजह से ये 108 आर्मी की गाड़ियां और 20-30 बसेस सिविल पॉपुलेशन की और ट्रक्स वो पूरे इलाके में फंस गए। और बर्फ इतना गिरा जैसे अभी दिल्ली में गिरा है, जो बरसात हुआ है अनप्रेसिडेंटेड, जो 100 मिलीमीटर पूरे सीजन में होता है वो एक दिन अगर हो जाता है, इसी तरह से 3 घंटे में तकरीबन 6-7 फुट बर्फ गिर गया। तो गाड़ियों का मूवमेंट बंद हो गया, वहां अवलांच आने शुरू हो गए। तो हम लोगों ने उनको राशन पानी दिया, राशनिंग करके हमारी हर पोस्ट के ऊपर 2-3 महीने का राशन होता है, और उनका रेस्क्यू मिशन हमने चालू किया। तो ये एक बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, जिससे कि J&K एडमिनिस्ट्रेशन और भारत सरकार की जो हमारी MHA है उन्होंने भी उस मिशन को अप्रिशिएट किया। और कोई भी जो आर्मी का जवान है, ITBP के जवान है, किसी की भी कोई कैजुअल्टी नहीं हुई, सिर्फ कुछ सिविलियन की कैजुअल्टी हुई, क्योंकि वो लोग बर्फ में मुंह कर चुके थे, वो जल्दी आना चाहते थे और वो अवलांच में फंस गए, तो उनका जो रेस्क्यू मिशन डेड बॉडी का वो बाद में चला। तो ये बहुत बड़ा चैलेंजिंग जो टास्क था जो हमने पूरा किया। तो ये मैं समझता हूँ कि बड़ी मेरे लिए, जब मैं अपना पीछे मुड़ के देखता हूँ, एक बहुत ही सेटिस्फाइंग जो है मेरा टेन्योर रहा कि मैं मेरे जवानों ने एक चैलेंजिंग टास्क 2 साल किया और किसी भी जवान को कोई चोट नहीं लगी, कोई इंजरी नहीं हुई, तो ये एक बहुत बड़ी बात है जी। दोहन साहब, ड्यूटी के दौरान कभी कोई ऐसी सिचुएशन या कोई ऐसी स्थिति आई हो कि आपको अपनी फैमिली की फिक्र हो और फैमिली को आपकी फिक्र हुई हो? वो हमेशा होता है, जब आप नक्सलाइट एरिया में तैनात है, आप टेररिस्ट वाले एरिया में तैनात है या हाई एल्टीट्यूड एरिया में तैनात है, काफी कैजुअल्टीज होती हैं और वाइफ को भी चिंता रहती है, हमें भी चिंता रहती है। तो उसका जो एक साधन है वो है हमारा कम्युनिकेशन। और शुरुआत में तो जो कम्युनिकेशन के टेलीफोन के सिस्टम साधन में नहीं होते थे, तो चिट्ठियों से ही जो है वो कम्युनिकेशन होता था, कई कई दिन कम्युनिकेशन नहीं होता था, और चिट्ठियों को भी सीरियल नंबर से लिखते थे, 1 नंबर 2 नंबर 3 नंबर। तो अगर 4 नंबर की चिट्ठी पहले आ गई तो उसको रख देते थे, पहले 3 नंबर की चिट्ठी इंतजार करते थे। तो इस तरह की सिचुएशन जो है हमने देखा, इसी तरह से अखबार का भी यही सिस्टम था, ट्रिब्यून अखबार आता था तो उसको भी इस हिसाब से पढ़ते थे। बड़ा जो है रिमोट एरिया में हमारी तैनाती रही और फैमिली
फैमिली की याद जरूर आती है, लेकिन सरकार हमारा ख्याल रखती है। हमें कोई एक्सपीरियंस कभी हुआ हो ऐसा, कहीं फंस गए हो कुछ हो? मैंने एक्सपीडिशन किया है, मैं माउंटेनियर था तो मुझे आईटीबीपी में विभिन्न विभिन्न एक्सपीडिशंस का लीडर और डिप्टी लीडर रहने का मौका मिला। और मैंने दो एक्सपीडिशन सांगला वैली में किए, एक मैंने माउंट नंदा देवी का एज ए डिप्टी लीडर किया, और एक मैं माउंट मकालू के एक्सपीडिशन के लिए चुना गया था, उसका प्री एक्सपीडिशन माउंट पंचाचुली जो कि कुमायूं रीजन का सबसे ऊंचा पहाड़ था, वहां पर मैं इस एक्सपीडिशन को कर रहा था। तो हमारे 8 जो जवान है, साथ में पोर्टर्स थे 3, वो अवलांच में फंस गए थे और काफी बड़ा माउंटेन का जो पैच है वो गिर गया था नीचे तकरीबन 2000 फीट। तो उस दौरान पे रेडियो में जो न्यूज आने लगी कि इस तरह के 8 लोग जो है पहाड़ी अवलांच में आ गए हैं, और जब जो है वो चिंता का एक विषय हुआ था, और वाइफ की तरफ से भी हमारे आईटीबीपी हेडक्वार्टर की तरफ से भी फैमिली को विजिट किया गया और उनको बताया गया कि अच्छा है, क्योंकि उस टाइम पे कम्युनिकेशंस का भी इतना अच्छा नहीं हो रहा था, मौसम बहुत खराब था। तो वो एक सिचुएशन आई कि जब ये था, फैमिली ने तो ये भी सोच लिया था कि पता नहीं अभी जो है मेरे हस्बैंड जीवित है या नहीं जीवित है। जब शाम को इनको खबर पहुंचाई गई जब इनके जान में जाना आई। जी, तो दोहन साहब आपने आईटीबीपी जब ज्वाइन की है तो आप हमें ये बताएं कि आईटीबीपी जो बेसिक ट्रेनिंग कैंप है यहां पर आप कब आए और किस तरह के नए नए कोर्सेज आपने शुरू किए, ताकि जिस तरह से आपने पहले बताया कि एक सिविलियन को जवान फौजी जवान बना के भेजते हैं आप, एक योद्धा बना के भेजते हैं, तो कौन कौन से ऐसे ट्रेनिंग कोर्स आपने शुरू किए ताकि वो सिविलियन एक योद्धा बनकर देश की सीमाओं की सुरक्षा के साथ साथ देश की अंदरूनी सुरक्षा में अपना भरपूर योगदान दे सके? मैं दिसंबर 2020 से बीटीसी भानू में मेरी तैनाती हुई, और ये मेरे लिए बहुत बड़ा चैलेंजिंग टास्क था, और ये मेरे सर्विस का आखिरी पड़ाव था, ये मेरी लास्ट पोस्टिंग थी। तो मेरे परिवार पूरा सेटल्ड हो चुका है, तो मेरे ऊपर ये वजन था कि मैं ऑर्गेनाइजेशन को कुछ दे के जाऊं, और उसी हिसाब से जो है एक प्लानिंग मेरे द्वारा की गई कि जो हमारे जो जवानों की ट्रेनिंग है वो इतनी रिग्रस होनी चाहिए कि कोई भी ड्यूटी इनको दी जाए वो ड्यूटी करने में पूरी तरह से ये सक्षम हो। तो पूरा रात दिन इसमें मेहनत किया गया। यहाँ पर जो बेसिक ट्रेनिंग सेंटर में हमारी जो 90% कॉन्स्टेबलरीज है उनका बेसिक ट्रेनिंग यहाँ पर होता है, जिसमें एक सिविलियन स्कूल से पास आउट होके या कॉलेज से पास आउट होके यहाँ पर आता है और उसको हम एक फोर्सेस का जवान बनाते हैं, आईटीबीपी की का हिमवीर बनाते हैं, और उसमें जो प्राइमरी जो हमारे ऑब्जेक्टिव्स रहते हैं कि फिजिकली बहुत फिट होना चाहिए, मेंटली बहुत फिट होना चाहिए, जिसके लिए हम लोग फिजिकल ट्रेनिंग करवाते हैं, उसके अलावा जो डिसिप्लिन के लिए ड्रिल होती है हमारी, और ये ड्रिल जवान के अलावा एसओज और ऑफिसर्स के लिए भी बहुत मस्ट है। ये इवन आईपीएस ऑफिसर्स और इंडियन आर्मी के जो जितने भी ऑफिसर्स हैं नेवी एयरफोर्स के, ये ड्रिल एक महत्वपूर्ण कंपोनेंट है डिसिप्लिन लाने के लिए। उसके अलावा जो हमारे पास वेपनरीज हैं, जो हमारे पास इक्विपमेंट्स है, उसकी हैंडलिंग भी उनको बहुत अच्छे ढंग से आनी चाहिए। तो ये बेसिक ट्रेनिंग का पार्ट हुआ। और इसके बाद एक बार फिर से आपका बहुत बहुत स्वागत है आकाशवाणी चंडीगढ़ से। इस समय आप सुन रहे हैं कार्यक्रम सुहाना सफर आकाशवाणी के संग, और आज इस कार्यक्रम में हमारे विशेष मेहमान हैं बेसिक ट्रेनिंग कैंप भानू आईटीबीपी के महानिरीक्षक श्री ईश्वर सिंह दुहन। दुहन साहब, आपने बताया कि किस तरह से आपने विभिन्न जगह पर अपनी ड्यूटी दी और किस तरह से आप जब आईटीबीपी भानू में आए तो आपने कई तरह के कोर्सेज नए नए शुरू किए, तो आप हमें ये बताएं कि जो आपने एक और चीज शुरू की वो थी सिटीजन प्रोटेक्शन में आईटीबीपी के जो स्पेशल डॉग्स हैं,
उनका आपने स्क्वाड बनाया है, उसके बारे में बताइए हमारे सुनने वालों को। ये जो डॉग हैं ये आईटीबीपी के रिटायरी डॉग हैं, और पहले इन डॉग्स को हम जवान जो भी लेना चाहता था उनको दे देते थे, लेकिन अभी सरकार ने निर्णय लिया कि ये फोर लेगेड सोल्जर हैं और इन्होंने आईटीबीपी में अपनी सेवाएं दी हैं, तो आईटीबीपी में ही इनको रखा जाए जब तक इनकी जिंदगी है। तो ये हमारे पास 12-13 डॉग है, और जब भी ये ड्यूटी के लिए सक्षम नहीं पाए जाते हैं तो हमारे बीटीसी भानु में ये डॉग आ जाते हैं, और इन डॉग्स को हम यूज करते हैं ओल्ड एज होम में, हम लेके जाते हैं बुजुर्ग लोगों से इनका कम्युनिकेशन कराते हैं। इसी तरह से एक रीजनल इंस्टीट्यूट ऑफ स्पेशल चिल्ड्रन है, सोरम के नाम से जाना जाता है चंडीगढ़ में, वहां पर भी सप्ताह में 2 दिन हम इन डॉग्स को लेके आते हैं, और जो बच्चे जिनके जो है आम बच्चे दोस्त नहीं बन पाते हैं उनके जो डॉग हैं ये अनकंडीशनल लव देते हैं, और ये एक सिम्बायोटिक रिलेशनशिप है, डॉग भी खुश रहता है और बच्चे भी खुश रहते हैं। और ये पाया गया है कि इस डॉग थेरेपी से बच्चों का जो गेट पोस्चर्स और उनका जो लर्निंग की गति है उसमें काफी इम्प्रूवमेंट पाई गई है। तो ये एक सेवा हमारे डॉग्स ये कर रहे हैं, हॉस्पिटल्स में भी हम विजिट कराते हैं, पेशेंट्स काफी दिनों से रहते हैं तो विभिन्न हॉस्पिटल्स में भी इन डॉग्स को लेके जाते हैं, हमारे आईटीबीपी के हॉस्पिटल्स में भी लेके जाते हैं। उसके अलावा हम जो डॉग शोज होते हैं उसके अंदर भी इनका इस्तेमाल करते हैं, इनको लेके जाते हैं और बच्चे इनके साथ खेलते हैं। तो इस तरह से जो हमारे रिटायरी डॉग हैं वो भी इस तरह का काम करते हैं ताकि सिटीजन्स में आईटीबीपी के प्रति जो है एक सद्भावना की भावना आए। जी दोहन साहब, आप क्या समझते हैं कि नौकरी के दौरान, क्योंकि आप फोर्स में हैं आईटीबीपी में हैं, तो जितनी भी मुश्किल परिस्थितियां आती हैं उनको दूर करने में आपकी फैमिली का क्या योगदान रहा? फैमिली का बहुत योगदान होता है, और खासतौर पे फोर्सेस में जो ऑफिसर जवान जब भी अच्छी ड्यूटी कर सकते हैं जब फैमिली का सपोर्ट रहता है, तो इसलिए जो है फैमिली को मैंने विशेष तौर पे चंडीगढ़ में रखा, और यहाँ पर हमारे बल के सेपरेटेड फैमिली एकोमोडेशन है तो बच्चों की एजुकेशन चंडीगढ़ में होती रही, और मेरी वाइफ ने ये जो होम फ्रंट है, होम वेकर बोलते हैं इनको, तो होम फ्रंट बहुत अच्छे ढंग से इन्होंने संभाला, और मेरे बच्चों का लालन पालन यहाँ चंडीगढ़ में हुआ, और मेरी तो कई बार ऐसी सिचुएशन भी होती थी कि बच्चे का पता ही नहीं कौन सी क्लास में है, जब छुट्टी में आता था पूछता था ईशा कौन सी क्लास में हो गई है, ये अरे ये 6ठी में हो गई है, सोनिका 5वीं में हो गई है, तो इस तरह की सिचुएशंस भी आती थी। तो आज जो है मैं बहुत ही एक सेटिस्फाइड अधिकारी हूँ कि मेरी जो बड़ी बेटी ईशा दोहन 2014 बैच की IAS अफसर है और अभी यूपी में डिस्ट्रिक्ट मजिस्ट्रेट की ड्यूटी कर रही है, छोटी बेटी मेरी चार्टर्ड अकाउंटेंट है, और मेरा बेटा इंजीनियर है। तो फैमिली की तरफ से मैं बिल्कुल फ्री हूँ, और शायद इसी वजह से मैं बीटीसी में अपना भरपूर योगदान दे पाया और काफी इनिशिएटिव ले पाया। इस इनिशिएटिव में हमने नेशनल लेवल के कम 5-6 फंक्शंस यहाँ पर कराए, जिसमें हरियाणा गवर्नर, पंजाब गवर्नर चीफ गेस्ट आए, जिसमें 2 हमारे राष्ट्रीय स्तर के ऑल इंडिया पुलिस ड्यूटी गेम कराए, जिसमें इक्विस्टेरियन है, जिसमें ऑल इंडिया पुलिस बैंड प्रतियोगिता है। उसके अलावा योगा में भी आईटीबीपी का बहुत बड़ा योगदान रहा है, और आजादी के अमृत महोत्सव में जो 75 करोड़ का टारगेट योगा का था वो उसमें आईटीबीपी बीटीसी भानु का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन रहा, और पिछले साल जो 75 लाख का एक संकल्प हरियाणा योग आयोग ने किया था उसका जो इनॉग्रल फंक्शन था जिसमें हरियाणा गवर्नर श्री बंदारू दत्तात्रेय जी आए थे इस इनॉग्रल सेशन में, उसमें भी आईटीबीपी ने बहुत बड़ा महत्वपूर्ण योगदान दिया, और 75 लाख तो आईटीबीपी ने बेसिक ट्रेनिंग सेंटर ने ही कर लिए, और वो बेसिक ट्रेनिंग कैंप भानु आईटीबीपी के महानिरीक्षक हैं दोहन साहब, क्योंकि
आप आईटीबीपी के अधिकारी हैं, तो आप चलते चलते हमारे जो सुनने वाले हैं, खासतौर पर यंग जनरेशन की अगर बात करें, जो हमारे युवा हैं, उनको क्या कहना चाहेंगे, किस तरह से वो आईटीबीपी ज्वाइन कर सकते हैं, और किस तरह से, जिस तरह से आपने बात की कि अपनी एनर्जी को पॉजिटिविटी की तरफ लगाना है, तो आप हमारे सुनने वालों को क्या कहना चाहेंगे? आईटीबीपी को आप ज्वाइन कर सकते हैं एज ए कांस्टेबल, 10वीं पास उसकी कंडीशंस हैं, 18 से 23 साल का उम्र चाहिए, और एज ए सब इंस्पेक्टर आप ज्वाइन कर सकते हैं, और एज ए ऑफिसर आप ज्वाइन कर सकते हैं। कांस्टेबल और सब इंस्पेक्टर का जो टेस्ट है वो स्टाफ सिलेक्शन कमीशन लेता है, और ऑफिसर का जो टेस्ट है वो यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन लेता है। ये सभी ऑर्गेनाइजेशन जो CAPF हैं, सेंट्रल आर्म्ड पुलिस फोर्सेस, उनका कंबाइंड टेस्ट होता है, और एज पर दी चॉइस, एज पर दी मेरिट, आप कोई भी बल को ज्वाइन कर सकते हैं। और मैं आईटीबीपी के बारे में बताना चाहता हूँ, आईटीबीपी बहुत ही अच्छा बल है, और ये अपनी ड्यूटी बखूबी निभाता है, और जो भी ड्यूटी इनको दी जाती है वो 100% करते हैं। और अभी अमरनाथ यात्रा की ड्यूटी एक्सक्लूसिवली आईटीबीपी को दी गई है, वो इस चीज का द्योतक है कि आईटीबीपी हर एक ड्यूटी अपनी बहुत ही बेखूबी और बहुत ही स्पेशल ढंग से करती है, और इसमें आप ज्वाइन कर सकते हैं। आपने इस सफर में हमारे साथ आप जुड़े, और आपने अपनी जिंदगी के तमाम जो तजर्बे हैं वो हमारे साथ सांझे किए। हमारी दिल से दुआ है कि आपका जो रिटायरमेंट के बाद का जिंदगी का सफर है वो और भी ज्यादा सुहाना हो। आकाशवाणी चंडीगढ़ के स्टूडियो में आने के लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद रमेश कपूर जी, आपने मुझे मौका दिया अपने रिटायरमेंट से पहले अपना एक्सपीरियंस बताने का। थैंक यू वेरी मच, जय हिंद। इस तरह से इंटरव्यू समाप्त हुआ। चलो जी, इंटरव्यू बहुत अच्छा गया दोन साहब का। कैसा लगा आपको इंटरव्यू देके? बहुत अच्छा लगा, लेकिन अभी भी ऐसा लगता है। थोड़ा और बोलो, 50 मिनट के बाद भी लग रहा है, थोड़ा और बोलो। चलो एक बार और बुला लेना फिर। हाँ बस हल्का फुल्का हंसी मजाक चल रहा है, और अभी हम चलते हैं कहीं और, कुछ बिहाइंड द सीन। अच्छा जी, नमस्कार जी।